हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज है 25 मार्च, तो अभी सुबह हो गया है, लेकिन हमको किचन में मेरा उतना लाइट नहीं आता है, जिसके चलते हमको लाइट ऑन करके रखना पड़ता है। तो अभी वो लोग सो रहे हैं, अभी वो लोग नहीं उठे हैं, बच्चे लोग भी सोए हुए हैं मेरे। और फिलहाल आज नीरज आने वाले हैं, वो बोले कि वो वापस बैंगलोर आ रहे हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए शायद यहाँ रहेंगे, तो इसलिए वो आ रहे हैं। वो कॉल आया था उनका भी सुबह में कि वो आ रहे हैं, तो अच्छा है। उनका मतलब जो घर है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसी के लिए वो आ रहे हैं, और फिर उसके बाद शायद वो लोग शिफ्टिंग वगैरह करेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह भी बाकी है शायद, तो वो सारे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आ रहे हैं। तो अच्छा है, अभी तो सुबह हुआ है, दूध ऑलरेडी आ चुका है, हम जा रहे हैं फिलहाल अभी दूध गर्म करने। बाबू को छोटी वाली जो है वो ऑलरेडी खा चुकी है, बड़ी वाली तो अभी सोकर ही नहीं उठी है, तो देखते हैं कब तक उठती है वो लोग। दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और अब जा रहे हैं डिश वॉश का जितना भी बर्तन था वो सारा अरेंज करेंगे, क्योंकि कल रात में हम अरेंज नहीं किए थे, बस धो करके रख दिए थे, तो फिलहाल जा रहे हैं अभी अरेंज करने फटाफट। तो क्योंकि मेरा बर्तन स्टैंड यहीं पे है, इसलिए हमको काफ़ी इजी हो जाता है अरेंज करने के लिए, क्योंकि सारा यहीं पे ही अरेंज करना है, तो मुश्किल नहीं है, मेरे लिए अच्छा है। तो बाकी चीज़ें लेकर जाके जो है हम रखते हैं, क्योंकि हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, फर्निश नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए वॉर्डरोब्स वगैरह नहीं है, तो हम लोग अभी भी बर्तन स्टैंड यूज़ कर रहे हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए। तो फिलहाल हम उसमें अरेंज कर दे रहे हैं सारा जो भी है, ये सारा उधर जाएगा, कुछ बर्तन यहाँ बर्तन स्टैंड में डालेंगे, कुछ हम रखेंगे उधर। तो जो भी ऊपर के कंपार्टमेंट में था वो सारा हम अरेंज कर लिए हैं, तो अब जो नीचे थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको अब हम अरेंज करेंगे। तो ये नॉन स्टिक भी हम इसमें डाले थे धोने के लिए, अच्छे से धुल के तैयार है। देखो ये क्या हुआ था ना, नीचे ऑयल लगने की वजह से चिकना हो गया था, तो हुआ तो है लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि जब पूरा क्लीन हो गया, लेकिन हाँ साफ़ हो गया है। मेरे को लगता है थोड़ा इसको अगर हम रगड़ देंगे ना तो और अच्छे से साफ़ हो जाएगा, इसको हम अलग रखते हैं अभी। सुबह किचन अगर आपको साफ़ सुथरा मिले ना तो उसका बात ही कुछ और है। मेरा दूध भी देख रहे हैं, शायद ये बॉयल हो जाएगा ना, थोड़ी देर में गिर सकता है। तो ये सारा जो था वो हम अरेंज कर दिए हैं, ऊपर का भी नीचे का भी, इसको हम बंद कर देते हैं। अभी फ़िल्टर नहीं साफ़ करेंगे, फ़िल्टर साफ़ करेंगे शायद एक दो और वॉश हो जाएगा उसके बाद। इधर तब तक बॉयल हो रहा है, तो बेसिकली जितना भी बर्तन था उसको अरेंज करने में शायद हमको 2 से 3 मिनट लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो मेरे ख्याल से अगर वहीं पर है जहाँ पर, मतलब जहाँ पे डिश वॉश है वहीं पे ही आपको अरेंज करना है, तो वो काफ़ी टाइम आपका सेव करता है। रात में मेरे हस्बैंड हमको ऑलरेडी 1 ग्लास दूध दिए थे, थोड़ा सा और ये बचा हुआ है कल का दूध, तो इसको हम थोड़ा सा हल्का गरम करके फिर से मायरा को खिला देंगे। ये नीचे देख रहे हो ना, ये इंडक्शन में हम गरम करते रहते हैं ना, उससे हो जाता है। जो इंडक्शन में 2 से 3 बार गरम होता है तो ये बर्तन जल जाता है। इसमें जब हम साफ़ करते हैं डिशवॉशर में, जब हम ऐसे बर्तन साफ़ करते हैं तो वो लूज़ हो जाता है, और फिर एक बार हमको वो जो वॉशिंग के लिए होता है ना स्क्रब, उससे एक बार रगड़ना पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये हम समायरा का ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, इसमें हम शुगर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो बिना शुगर के भी खा लेती है। कभी कभी शुगर भी डालते हैं टेस्ट के लिए, अदरवाइज़ वो बिना शुगर के भी खा लेती है। तो ये स्क्रब से एक बार हम देखते हैं थोड़ा छोटा के। ये साइड साइड का तो हट गया, ये वाला नहीं हट रहा है। ये ज़रूरी इसलिए था ना क्योंकि जब भी ये इसको
टाल के चढ़ाते थे ना तो वो फिसल जाता था ऑयल ऑयल होने की वजह से। दो बार एक्सीडेंट हो चुका है मेरे हस्बैंड के साथ, चार उनका बचा है दो बार उसमें जलते जलते, क्योंकि इतना चिकना हो गया था ना, ये पूरा चिकना हो गया था पीछे वाला बेस, उसकी वजह से ना वो फिसल जाता था। यसू उठ गई है, उठ गई यसू, किधर है? उठ गई तो हाँ, वेरी गुड यसू, जल्दी जल्दी क्लीन कर लो। तो हम जा रहे हैं लॉन्ड्री डालने, तो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कपड़ा नहीं है, थोड़ा और हो जाएगा, आज का नहाना धोना हो जाएगा उसके बाद। हो गया बेटा बात? वेरी गुड असू, वेरी गुड असू, आज खुद से बात की है। रात का 12 बज गया है, मेरा फ़ोन का बैंड बज चुका है, ये अब सही नहीं है, किसी तरह से बस चल रहा है। और मैडम को रात में पढ़ाई करना है, सारा पढ़ाई आज ही कर लेगी। पैरोट है, मछली है, आज शाम में सोई नहीं है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। हाँ बेटा आप ले लेना, हमको लगा था कि शाम में नहीं सोई है तो अभी जल्दी सो जाएगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। चलो बेटा सो जाओ। तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया, अब हम बस चल जा रहे हैं सोने के लिए। और जीते जाए हैं आज, तो वो रेस्ट कर रहे हैं अभी, काफ़ी टायर्ड है वो। अब हम लोग भी जा रहे हैं सोने। आज ब्लॉग तो कुछ बना नहीं पाए क्योंकि मेरा पूरे दिन फ़ोन चार्ज पे ही लगा हुआ था, फ़ोन मेरा एक्चुअली ख़राब हो गया है, किसी तरह से बस ऑन हो जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज है 26th of March, अभी सुबह हो चुका है, नीरज को कॉफ़ी जस्ट अभी हम लोग ऑफर किए हैं और वो भी उठेंगे थोड़ी देर में, बोल रहे थे। अभी बाबू लोग सब सोई हुई है, बर्तन वगैरह कल रात में धुलाया था वो सारा हम अरेंज कर दिए हैं, अब हम वेट कर रहे हैं मिल्क आने का। कॉफ़ी बनाए थे, मिल्क अभी वेट कर रहे हैं, और बर्तन वगैरह रात में धुल गया था तो वो जस्ट हम अरेंज कर दिए निकाल करके डिश वॉशर से। उठ गई जी, मॉर्निंग हो गया है, मॉर्निंग हो गया है, जी हाँ मॉर्निंग हो गया है, मम्मा उठा दो अब, उठा तो मॉर्निंग हो गया है। हाँ चलो बात कर लो, जल्दी से बात कर लो। वेरी गुड, सोप लगाओ, हैंड में लगाओ, लेग में लगाओ, सब जगह लगाओ, फिर बेबी को भी नहलाना है ना। तो अभी शाम का 7:30 बज रहा है, नीरज गए हैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ, गौतम शायद नाम है, वहाँ पे गए हुए हैं। तो हम लोग गए थे नीरज का घर देखने के लिए, अच्छा है जैसा वो ये किए हैं, लेकिन हमको थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। बैंगलोर में ऐसे तो कुछ भी सस्ता नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छा है, घर अच्छा है, काफ़ी बड़ा सोसाइटी है और नीचे में मॉल है, प्ले एरिया है, बच्चों को खेलने के लिए जगह है, तो ओवरऑल तो अच्छा था। बट जल्दी वो लोग शिफ्ट करेंगे तो और अच्छे से हम आपको दिखा भी पाएंगे। ऐसे तो मेरे पास वीडियो है, होगा शायद उसका, तो अगर पॉसिबल होगा तो हम उसका क्लिप लगा देंगे अगर मिल जाता है तो। तो हम लोग उधर से ही वापसी में चले गए थे पीयूष के यहाँ, फिर पीयूष के यहाँ ही हमारा लंच हुआ, पनीर की सब्ज़ी, चावल, फिर रोटी, रायता, ब्ला ब्ला, और भी बहुत कुछ था। तो काफ़ी अच्छा लंच वो लोग प्रिपेयर करके रखे, करके नहीं रखे थे एक्चुअली, हम लोग बिना बताए वहाँ पे फिर पहुँचे, तो फिर फटाफट स्वाति सारा लंच तैयार की, फिर हम लोग लंच किए। लंच करने के बाद हम लोग घर वापस आए तो फिर संजीत जो है वो बुला रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए संजीत के यहाँ हम लोग चलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लिए, फिर उसके बाद अब हम लोग निकलने वाले हैं संजीत के यहाँ जाने के लिए। संडे रहता है तो थोड़ा इधर उधर ये भी कर लेते हैं, बाबू सभी सो रही है और समायरा जो है वो विदु के साथ खेलने में बिजी है। तू कहाँ है बेटा? आसू बाहर गई, तो बस हम लोग निकल रहे हैं अब। संजीव जी के यहाँ जाना आना हमारा लगा ही रहता है, निकी अब एक्सपेक्टेड है तो बहुत ध्यान देना है उसको, तो मेरा विजिट शायद और फ्रीक्वेंट होगा, शायद हम और जल्दी जल्दी जाएंगे उसको देखने के लिए वहाँ पे।
तो हम लोग संजीव जी के यहाँ से तो वापस आ गए हैं और ये गुड न्यूज वहाँ पे सुने हम लोग कि वो लोग के घर में भी एक जल्दी स्मॉल बेबी होने वाला है। तो ठीक है, आई एम हैप्पी। वो लोग बस टेक केयर करें, ध्यान से रहें और सब कुछ अच्छे से रहें। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए, ऑलमोस्ट 12 बज गया है और हम लोग सोने का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा तो था, लेकिन ये कुछ गड़बड़ भी हो गया वहाँ पे। असु को लग गया चोट काफ़ी कस के, असु को काफ़ी कस के चोट लग गया आइज में। दिखाओ बेटा, दिखाओ शोमी, स्टेबल रखो, स्टेबल रखो। ये देखो मेरी बेबी को चोट लग गया, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, है ना असु? जल्दी से ठीक हो जाएगा, उसमें मेडिसिन लगा दी है ना मम्मा, जल्दी ठीक हो जाएगा। और असु यहाँ पे अभी अपना बुक लेकर के फिर से शुरू हो गई है पढ़ाई करने के लिए। हम जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऑयल लगा देंगे, फिर उसके बाद इसको सुला देंगे। और छुटकी भी ऑलमोस्ट सोने के कगार में है, वो भी सो जाएगी थोड़े देर में। हाँ बेटा, यू कैन टेक। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।